miss a moment of the action. Catch BSL 9 live on A-Sports. Knock, 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 knock. Are you ready? The Knock Knock Show. Assalamualaikum and welcome to the Knock Knock Show. Brand new episodes. Creative arts. ये creative arts क्या होती हैं? Creative arts के बारे में एक साहब कहने लगे कि जिस इंसान को beat sense, rhythm, ताल का पता हो, वो creative artist होता है. ये creative artist कौन होते हैं? ये musician होते हैं, writers होते हैं, painters होते हैं, actors होते हैं, directors होते हैं. लेकिन ये डायरेक्टर्स जो होते हैं ये बड़े ख़ास लोग होते हैं क्योंकि ये हमारे लीडर्स होते हैं, हमें लेके चलते हैं. जैसे कि हमारे इस शो के डायरेक्टर या फिर एड फिल्म के डायरेक्टर, टीवी ड्रामा के डायरेक्टर, थिएटर प्ले के डायरेक्टर और फिल्मों के डायरेक्टर. आज हमारे पास नामवर दो डायरेक्टर्स एज अ गेस्ट मौजूद हैं, जिनमें से एक बेहतरीन थिएटर एक्टर, टीवी एक्टर और साथ में फिल्म डायरेक्टर, टीवी ड्रामा डायरेक्टर. और ऑन द अदर हैंड दूसरी शख्सियत पाकिस्तान की बिगेस्ट, जिसको कहते हैं ना बॉक्स ऑफिस के सुपरस्टार, वो भी एक डायरेक्टर हमारे पास मौजूद है. तो आर यू गाइस रेडी? नॉक नॉक. एहतशामुद्दीन एंड नदीम भाई. वेलकम टू द शो. तशरीफ रखे. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात आपकी. क्या अच्छा सेट. और यहाँ आने से पहले ऐसा लगा जैसे स्पेस स्टेशन में आ रहे हैं या फिर वो शो जो जैसे जिमी फैलन या अरे वाह जॉनी कार्सन या कह रहे डेविड लेटरमैन. अरे वाह. या अगर हम अपनी देसी बात करें तो जिया मोहिद्दीन शो. तो मैं वहाँ बैठता हूँ, आप यहाँ आए ना. बस यही रह गया, यही रह गया, होस्टिंग रह गई, होस्टिंग रह गई. तो भाई मैं कब कास्ट हो रहा हूँ आप लोगों के प्रोजेक्ट्स में? ये तो अहम सवाल भाई. हम ये सुनते रहे कि मोहिब अच्छा एक्टर है यार. बड़ा अच्छा एक्टर है यार, बड़ा अच्छा. कास्ट कोई नहीं कर रहा, क्या वजह है? आई थिंक कास्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि व्हेन द कैरेक्टर कम्स देन द एक्टर स्प्लैशेस इन योर माइंड. And then you cast that actor. बिल्कुल सही है. And you are a fantastic actor. I always believed, and you know, I'm not saying this because I'm sitting here. So the time मैं बताता हूँ ना, पिछली टोपी आपने दी थी वो ये थी कि तुम्हारे उसका आएगा ना कैलिवर का तब. और मुझे लगता है कि उसका टाइम आ रहा है. अच्छा टाइम आ गया. नहीं बीच में डायरेक्शन भी आपने शुरू कर दी थी. वो मैं फिल्म लेके कई डायरेक्टर, पांच डायरेक्टर के पास गया, किसी ने नहीं की तो फिर मैंने कहा अब ये मेरे अंदर का अच्छा है तो मैंने कहा मैं कर ही देता हूं. डोंट बी अपोलोजेटिक. यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, यू बिलीव्ड इन इट, यू डिड इट, पीरियड. आई ट्राइड माय बेस्ट. बहुत जबरदस्त तजुर्बा ही होता है जी. हमारे यहाँ तो वो चश्मे लगे हुए ना कि वो प्रीमियर होता है, उसमें फिल्म देखी जाती है, देख के निकलते हैं. आपके मुंह पे बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छी. और उसके बाद जरा सा आगे जाते हैं तो बोलते हैं क्या यार. तो ये प्रीमियर होना चाहिए फिल्म का, नहीं होना चाहिए प्रीमियर? कैसे? मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं होना चाहिए. यू जस्ट गेट इनटू एन एंजाइटी मोड बिफोर द रिलीज ऑफ द फिल्म. लेकिन उसका एक अपना चार्म भी होता है. यू गेट टू सी बिफोर द रिलीज व्हाट पीपल आर थिंकिंग, हाउ दे आर reacting to the things that you've done. और फिर प्रीमियर में देखने का मजा ही अपना होता है क्योंकि हॉल उसी में भरा हुआ होता है. अपने वाले होते सारे और अपने वाले ही तालियां बजा रहे होते हैं. हाँ उसमें अच्छा लगता है ना. आप फिल्म देखते हैं आपको ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत बहुत अच्छा काम तीर मारा है आपने. और फिर उसके बाद जब बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट मिल रही होती तो आपके रोज एक नई परेशानी जो है वो आपके साथ. और कभी कभी ये भी लगता है कि पसंद नहीं आई लोगों को फिल्म. नहीं आई. तो अब क्या हालात हैं सिनेमा घरों के, कहाँ जा रही है फिल्म, क्या हो रहा है, कुछ आप लोग अपने एक्सपीरियंस से बताएं. फिल्म तो कहीं नहीं जा रही. जो बीच में गैप आया ना सिनेमा का, उसमें लोगों ने ये देखा कि जनाब सिर्फ वो सिनेमा देखा जो कि पड़ोस से आ रहा था, ठीक है,
वो सिनेमा देखने के बाद उनको ऐसा लगा जैसे हम उनकी कॉपी कर रहे हैं। अगर आप पीछे चले जाएं तो सबकॉन्टिनेंट का जो सिनेमा है वो तो हमेशा से ऐसे ही रहा है। आपकी अपनी कौन सी ये फिल्म है जिसको आपने कहा कि यार हाँ चलो ये मैंने ठीक कर लिया? आई लाइक्ड पंजाब नहीं जाऊंगी, आई इन्जॉयड जवानी फिर नहीं आनी। ओके, एज अ व्यूअर, एज एन ऑडियंस मैं फिल्म को स्क्रिप्ट के लेवल पे भी और एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब भी फिल्म बनाता हूँ या उसको हम सोचते हैं तो एज एन ऑडियंस ही सोचता हूँ, बिकॉज आई एम अ फिल्म बफ एंड आई लव गोइंग टू द सिनेमा। सो फिल्म वो जो मुझे बैठ के देखने को दिल करे वो ही बनानी। आपकी अपनी फेवरेट? फेवरेट दो ही फिल्में बनाई हैं नदीम, तुमने ज़्यादा फिल्में बनाई, दोनों ही मेहनत से बनी है। और असल में वो जो प्रोसेस होता है ना वो एक्चुअली हमने एंजॉय की। ये आप जब फिल्म बनाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ भाई आप वो काम कर रहे हैं जिसके लिए सोचा था कभी। और जब सोचा करते थे तो ये देखते थे कि बहुत सारी फिल्में सेट पे गईं लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सकी। तो जब पहली जो फिल्म थी सुपरस्टार उसमें जो यानी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि वो फिल्म मुकम्मल हो गई, यानी सिनेमा घर में हमारी फिल्म लगी होगी, ये एक बड़ा ख्वाब था। तो समझे वो अचीवमेंट वो रही। एक साहब आपने एक्टिंग की तरफ क्यों नहीं रुझान किया? एक्टिंग की तरफ ये कहाँ से आया सवाल? वैसे क्यों? अच्छा बिकॉज़ वो एक्टर तो है। बिकॉज़ ही स्टार्टेड एज एन एक्टर प्रोबेबली। हाँ हाँ बिल्कुल है ना। नहीं तो फिर आप देखें आप एक्टर को मैंने कभी इसको फैंसी नहीं किया। Why? आई डोंट नो, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। क्यों? स्कारफेस देखते हुए आप अल पचिनो खुद नहीं थे? देखो वो एक तखय्युल है, उसमें आप अपने आप को रखते हैं तकरीबन हर कैरेक्टर में। यू एज अ डायरेक्टर देन यू प्रोबेबली गेट इनटू दैट एक्टर्स शूज एंड यू एक्सप्लेन दिस टू एन एक्टर दैट व्हाट टू डू एंड हाउ टू गो अबाउट इट। सो आई एक्चुअली डिडंट थिंक अबाउट एक्टिंग, आई माइट डू इट नाउ। एक दफ़ा मैं जब तंग आ गया कि कास्ट नहीं कर रहे हैं तो मैंने उनको फ़ोन किया, यार आप कितने लेते हैं फिल्म करने? ये फ़ोन किया। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। अब मैं कहूँगा कि यार आप रोल करेंगे मेरे लिए? वो मैं फौरन कर लूँगा। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का जो ये कनेक्शन है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है हमारे मुल्क में स्पेशली। तो ओए मिर्ज़ा, क्योंकि अब मैं आ रहा हूँ। मोहिब नेजा, आज से नहीं लूंगा तुम्हारा चेजा। मेरे शो में तुमने इतनी बड़ी इतनी अजीम हस्तियों को बुला दिया। सर मैं वैसे ही आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूं, इस शो का प्रोड्यूसर हूं, ये प्रॉपर्टी भी मेरी है। मैं इसे बेचकर फिल्म बनाना चाहता हूं सर। लेकिन उससे पहले मेरे अंदर एक शायर जागा सर, और आप दोनों को देख कर वो तो उमड़ उमड़ कर बाहर आना चाह रहा है। ओ, जी प्लीज। हो रहे हो ग्रेजुअली तुम सर, आपने शो क्योंकि हमारी रिसर्च के मुताबिक एहतशाम भाई आपसे 2 साल बड़े हैं। तो पहले मैं उनके लिए कुछ पेश करूंगा और आपको तो मैं दिल पेश करूंगा सर।
वेल डन वेल डन। मेरे ख्याल है आप सर फिल्म ही बना लें। ये आपने खुद लिखा है सर? अभी अभी। कितना मुश्किल था आपके लिए लिखना? अगर आपको कहा जाए ईमान अली के लिए लिखें तो आपके लिए कितना आसान होगा? तो मैं आपके साथ मिलके लिखना चाहूंगा तो आप मौका देंगे तो मैं सुना डालूंगा सर। बिल्कुल सही है। मैंने आपके लिए भी बहुत प्यार से कुछ लिखा है सर। यस सर। तो मैं और तुम सब मिलके काम आ तो नदीम बेग निकाल दें सारे। मोहित साहब आपने कहा कि आप एक्टिंग क्यों नहीं करते पूरे जरासीम में? देखिए स्क्रीन टाइम कितना लिया उन्होंने डबल करवा के। सर इसीलिए मैं शो पे डायरेक्ट प्रोड्यूसर ही भर्ती हो गया। लेकिन सर दिल से कहना चाहूंगा कि आप दोनों को जब भी हम सब पाकिस्तानी देखते हैं ना तो फखर से दिल ये कह उठता है कि मेरे पास तुम। न समझा तुम हो तो प्यार मांगो मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या मेरा ये भरम है मेरे पास तुम हो। आप जुड़वा हैं ये बड़े भाई हैं वो छोटे भाई। इतने बड़े बड़े लोग आपने बुलाए हुए और मुझे बताया भी नहीं। उनकी तो मैंने नदीम बेग साहब की तो बड़ी फिल्में देखी है। अरे वाह कौन कौन सी फिल्में देखी है भाई? मैंने बुलंदी देखी, जीवा देखी, आयना देखी, मुझे तो गाना भी याद है सोना न चांदी न तोली खाना के मेरे से है क्या हो भाई? अरे ये वो नदीम बेग नहीं है, वो नदीम बेग हैं, ये नदीम बेग हैं। अच्छा अच्छा ये डॉक्टर शाइस्ता के मिलने के बाद क्लिनिक से वापस आने के बाद बेटा तुम्हें पागलों के डॉक्टर पे लेके जाना पड़ेगा, तुम चलता हुआ शो बर्बाद करोगे। अरे ये नदीम बेग है पाकिस्तान के सबसे बड़े डायरेक्टर। यार आप पीछे स्टेज पे तो बोल रहे थे कहते श्याम भाई बड़े डॉक्टर के। एक बात तो काम रहे भाई वो उनसे 2 साल बड़े हैं इसलिए बोल रहा था, लेकिन ये दोनों ही सबसे बड़े हैं। अरे दे आर नॉट जस्ट डायरेक्टर्स दे आर मैजिशियंस। यार आपने तो कहा था डायरेक्टर है अब आप बोले मैजिशियन है। एक काम कर रहे हैं आप मुंह पे झूठ बोलते हैं अभी जादू दिखाएंगे कि ये तो भाई ठीक है जी। अब ये है नदीम बेग सही और ये है एहतेशाम भाई ओके ठीक है। अब एहतेशाम भाई जो है वो राइटर डायरेक्टर है सही है ठीक है और एक्टिंग भी करते हैं और नदीम बेग साहब जो है वो टीचर डायरेक्टर है वो एक्टिंग कराते भी है और सुपरहिट फिल्में बनाते भी है। सही है। तो ये एहतेशाम भाई हो गए और ये नदीम बेग भाई हो गए। नदीम बेग भाई एहतेशाम भाई अब क्या हुए माइक।
अरे माइक में ही बोल रहा हूं कि ये एहतशाम भाई है, ये नदीम बेग भाई है, ये दोनों सबसे बड़े हमारे फनकार हैं। भाई देखिए ना, एहतशाम भाई जो ना इनकी फिल्म में, मतलब भाई देखिए इन्होंने क्या की, सुपरस्टार सही है, इन्होंने चमेली में एक्टिंग की थी ना, इन्होंने सबके तुम्हारे में डायरेक्शन दी, इन्होंने काबली पुलाव किया, काबली पुलाव बनाते हैं ये क्योंकि इनका ना एक जुबान भी है। और नदीम बेग साहब जो है, मैं मजाक कर रहा था, मैं जानता हूँ जवानी फिर नहीं आनी, मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, मैं लंदन नहीं जाऊँगी, मेरे पास फिल्म हो और तो इन्होंने तो बेगम नवाजी भी बनाई है। मोहित भाई वैसे अगर आपको बनना है तो बता देना, वो सीजन वो पहले बना चुके हैं, वो फिर हम छुपा भी चुके हैं। उन्होंने मुझे बेगम नवाजी भी बना दिया। अरे बना दिया, माशाल्लाह हम लेट है भाई जी। भाई भाई शो पर बात ना करें। बहुत, मैं भी आपका पार्टनर। बहुत अच्छा किया आप दोनों ने, आपने कार्डिगन पहना, आपने जैकेट, क्योंकि कूलिंग बहुत ज्यादा हो गई। नहीं आप लोग मालेंगे भाई, आपको क्या कहूंगा मैं। देखिए हमारे जो ये वही भाई है ना, बड़े शरीफ आदमी है। कैसे पता शो में अदबी शो रहा था, ये कैसे पता चला आपको ये बहुत शरीफ आदमी है? एक छोटी छोटी बात, ये बड़े शरीफ आदमी है। एकदम एक छोटी बात बताएं। मैं बता रहा हूँ, ये एक अदबी शो हमारा हो रहा था, स्क्रिप्ट से हटा रहे हैं इनको। एक दफा अदबी शो हो रहा था, इनको हमने बोला कि आप चूड़ीदार पजामे में आएंगे, ये चूड़ी के साथ पजामा पहन के आ गए। इसी इंतहाई ठंडी बात पे मैं एक ब्रेक लेता हूँ। I'll see you after the break. मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कलील साहब का जी। मैं शूट कर रहा था, पीछे से आवाज आई मुझे, चाम। नहीं नहीं ऐसे आवाज नहीं, पलट के देखा तो कलील साहब ने, दो फिल्में लिख रहा हूँ, एक तुम्हारे लिए, एक नदीम बेग के लिए। देखो हमारी तो है ना अगली फिल्म, वो तो परमानेंट फीचर है। आई एम सीरियसली थिंकिंग दैट इफ आई मेक एन एक्शन फिल्म, आई वुड डेफिनेटली कास्ट यू देयर। मुझे अल्लाह की कसम ये सवाल मैंने नहीं लिखवाया। लेकिन मैं इधर को अल्लाह का बड़ा कर रहा हूँ। आप नाम ही ऐसे बताएं कि मतलब सारे नाम और काम भी ठीक है, फंस गया। मतलब वो कितनी फिल्में करेंगे हुमायूं? मैं बचा फहद, मतलब दूसरे ना, दूसरा कोई नहीं है क्या मतलब? नॉक नॉक शो, वेलकम बैक टू द नॉक नॉक शो, एंड वेलकम बैक टू आवर बाप का चैनल। मतलब ये तो हमारे भाई बाप का चैनल है, सिर्फ ये चैनल हमारे बाप का, हमारे बाप का चैनल हो गया तो मैं बोलूं नहीं नहीं। और यहाँ पर हम आपके साथ एक सेगमेंट करेंगे, तेज आग। मालिक लोग ने बताया है कि हम एक सेगमेंट करने जा रहे हैं जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ। हमने सिर्फ इतना किया है कि उसका तर्जुमा कर दिया, उसका नाम रख दिया तेज आग, इसको कहते हैं रैपिड फायर। तो हमारा पहला सवाल आप दोनों से बारी बारी, इनमें से सबसे अच्छा फिल्म राइटर कौन है, वासे चौधरी, खलीलुर रहमान या सैयद नूर? वासे चौधरी एंड खलीलुर रहमान कमर, एक नाम। एंड मैं सैयद नूर साहब का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले राइटर। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ खलील साहब का जी। मैं शूट कर रहा था, पीछे से आवाज आई मुझे, चाम। नहीं नहीं ऐसे आवाज नहीं, पलट के देखा तो खलील साहब ने, दो फिल्में लिख रहा हूँ, एक तुम्हारे लिए, एक नदीम बेग के लिए। इनमें से सबसे अच्छा फिल्म राइटर कौन है, वासे चौधरी, खलील रहमान कमर या सैयद नूर? No answer is an answer. मुझे तीनों के साथ काम करना है, तीनों के साथ काम कर। नहीं मतलब अभी मैंने किया नहीं, ना वासे के साथ ना खलील साहब के साथ। खलील साहब के साथ मैंने सबके तुम्हारे किया। माशाल्लाह रैपिड फायर का ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है। ये सवाल में मसला है। हमारा भी हेटो सवाल है। सर इनमें से आपके ख्याल में सबसे मुश्किल राइटर कौन है, वासे चौधरी, खलील रहमान कमर साहब, सैयद नूर साहब? सैयद नूर साहब के साथ काम नहीं किया तो खलील रहमान कमर साहब। मुश्किल राइटर इन अ वे, कोई उनकी बुराई नहीं है, लेकिन उनका एक अपना प्रोसेस है जिस पे वो बहुत यू नो स्टिक करते हैं, और उसको अंडरस्टैंड करके उनके साथ काम। बहुत खूबसूरती से मैनेज करते हैं। अगला सवाल तेज आग का, अपनी नेक्स्ट फिल्म में किसको हीरो लेंगे, हुमायूं, फाहद, मोहित?
मैं तो तीनों को लेना चाहता हूँ। ये क्या सियासत है? देखो हुमायूं तो है ना अगली फिल्म में, वो तो परमानेंट फीचर है। आई एम सीरियसली थिंकिंग दैट इफ आई मेक एन एक्शन फिल्म आई वुड डेफिनेटली कास्ट यू देयर। मुझे अल्लाह की कसम ये सवाल मैंने नहीं लिखवाया। लेकिन मैं इधर को अल्लाह का बड़ा कर रहा हूं मैं। सर अगर एक्शन फिल्म बनानी है तो हम दोनों पे भी नजर डालें। उसको कॉमेडी एक्शन कहते हैं यार, हम सीरियस एक्शन भी कर सकते हैं। अपनी नेक्स्ट फिल्म में किसको हीरो लेंगे, हुमायूं फहद मोहिब? अब नाम ही ऐसे बताएं कि मतलब सारे नाम और काम भी ठीक है, फंस गया। चले मैं तो कास्ट हो गया, यही मकसद है। मैं तो कास्ट, मतलब वो कितनी फिल्में करेंगे हुमायूं? मैं बचा फहद, मतलब दूसरे ना, दूसरा कोई नहीं है क्या मतलब? और फहद जो है वो शो कर रहे हैं, शो भी कर रहे हैं, जीते जा रहे हैं मतलब। तो इन्होंने तो आपको एक्शन फिल्म में ले लिया, मैं आपको बड़े एक सीरियस रोल में देखना चाहता हूँ। अरे भाई जान, आज तो बस माइक ड्रॉप है भाई, तो इसी बात में उनके हाथ मिला लिया। मुझे लगता है आपसे आपसे अलग बात होगी, आप लोग प्रोड्यूसर्स हैं ना? जी सर। अब सर आलू आने वाला है जी। अच्छा। जी सर, मेरा भी एक सवाल है कि अगर आप फिल्म बनाएं तो इनमें से किस एक्टर से छुप के फिल्म बनाएंगे? ऑप्शंस हैं मोहिब मिर्जा, इमरान अशरफ या उर्वा। इमरान अशरफ। सर आप मतलब छुप के क्यों बनाऊंगा मैं फिल्म? देखिए मतलब सवाल, उन्होंने जवाब दिया ना सर? नहीं वो दे दिया उन्होंने। हाँ। वो क्योंकि वो रैपिड फायर आपका ये है ना, तेज आग, मैं जरा इसको धीमी आंच पे पकाना चाहता हूँ। हाँ। भाई वो फिल्म बनाने को एक बात होना चाहिए कि मैं छुप के क्यों फिल्म बनाऊंगा? क्या वो छुपी हुई फिल्म है क्या? मतलब वो कोई ऐसी फिल्म है जिसमें किसी, और उसमें फिर आप वो नाम भी वो ले रहे हैं कि भाई मोहिब से छुप के बनाऊं, इमरान अशरफ से छुप के बनाऊं या उर्वा से छुप के बनाऊं। हाँ। छुप के बनाऊं क्यों? सर सही जवाब, तालियां। इनमें से कौन से दो एक्टर हैं जो आपकी फिल्म में हो तो फिल्म हिट हो जाए? हुमायूं फवाद, फहद मोहिब। आई थिंक इन सब में पोटेंशियल है फिल्म हिट कराने का। आई थिंक इट्स द फिल्म दैट वर्क्स, नो डाउट। नहीं तो शाम आप बताइए, इनमें से दो एक्ट्रेस कौन से आप कॉम्बिनेशन में कास्ट करें कि वो सुपर हिट हो जाए? हुमायूं फवाद, फहद मोहिब। हुमायूं के बगैर आप देखें कि आपकी जितनी भी फिल्में हिट हुई हैं माशाल्लाह वो सारी हुमायूं के साथ हुई। फहद ने सारी फिल्में हिट फिल्में दी हैं जी माशाल्लाह। फवाद एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, पहचाना जाता है। और मोहिब मिर्जा जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि उनके बराबर आके खड़ा हो जाए। मैं किसी को भी इसमें से मैं मतलब माइनस कर ही नहीं सकता हूँ, मतलब इतनी मेहनत के बाद अगर आप कहेंगे इसको माइनस कर दो, क्यों करूँ यार? और कॉम्बो में बनाऊंगा। हाँ कॉम्बो, कॉम्बो में बनाऊंगा फहद और मोहिब का और हुमायूं और फवाद का। इस चक्कर में भाई तेरा अच्छा चांस बनी है ना, बने जा रहा है, माँ की दुआ जन्नत की हवा। चले सर आप आए हैं, थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। तो सर अगर एक स्क्रिप्ट में गुंजाइश ना हो लेकिन प्रोड्यूसर की फरमाइश हो कि एक अच्छा बरसाती बिजली कड़कता हुआ हाय 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 भड़कीला सा आइटम सॉन्ग आ जाए तो वो कैसे आएगा सर? वो वैसे भी आ सकता है। वो वैसे ही आएगा जैसे आता है। और अक्सर रिकॉर्ड भी नहीं होता है, हो जाता है, हो जाता है। मुबारक हो भाई, आइटम सॉन्ग तो पक्का हुआ फिल्म का। इनमें से बेहतरीन अदाकारा कौन है? महवेश हयात, मायरा खान, कुबरा खान, अमर खान। अच्छा जो बाकी की तीन है उनके साथ मैंने काम नहीं किया हुआ, तो आई विल से महवेश हयात। इनमें से बेहतरीन अदाकारा कौन है? महवेश हयात, माहिरा खान, कुबरा खान, अमर खान। हम ऐसे गेज नहीं कर सकते किसी एग्जैक्टली जब मैं वहाँ एज अ गेस्ट बैठा हूँ तो मेरे लिए भी सबसे मुश्किल हाँ। ये अलग कैसे करूँ? कैसे अलग करूँ? मैं मतलब तो नौकरी पे हूँ। आपके पास क्या पैमाना है कि आप कहें कि ये ज़्यादा अच्छा है या वो? तो किरदार हैं, जो किरदार आपको मिलते हैं ज़िंदगी में करने के लिए, और उनमें कहीं मार्जिन होता है कहीं नहीं होता है। कहीं आप एक एक कहानी होती है जो सिंपल, उसमें इतना मार्जिन नहीं किसी एक्टर के पास। तो ये तो अभी तो सफ़र जारी है, और जब सफ़र जारी हो तो मेरा ख्याल है कि फिर हमें गेज भी नहीं करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है किसी को नंबर्स देना कि इसके इतने नंबर हैं, इस काम में नंबर नहीं।
दूसरी बात करूंगा ना, ले जाऊंगा उधर, इसको धीमी आंच पे पकाऊंगा मैं। ये जो आपका जो रैपिड फायर है इसको मैं धीमी आंच पे ले जाता हूँ, वरना इसके छोटे छोटे अलग अलग पीसेज जो है ना वो मैं खुद देख रहा हूँ। अरे ये मैंने क्या बोल दिया। हाँ, लेकिन मैं चारों ही बहुत फैंटास्टिक एक्टर्स हैं ऐसे। एंड जी, क्योंकि रैपिड फायर कब गुजर गया वक्त का पता ही नहीं चला जी, तो अब हमारा है कॉन्ट्रैक्ट का वक्त। हाँ। क्योंकि आप हमारे चैनल में हमारे शो में आए हैं, सो एक कार्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जी। जी, अरे सर चेक भी साथ ही, पैसे भी मिलेंगे यार ये तो बताए सर, सर कैश मिलेंगे ये फॉर्म फिल करने के बाद। दोनों एक साथ ले जाता हूँ। दोनों दे आइए, एक टिकट में दो मजे। रास्ता तवील है, मैं थक जाता हूँ। अब सूरत हाल ये कि आपके सामने कुछ सवाल हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि एहतशाम साहब का जवाब क्या होगा, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि नदीम बेग साहब का जवाब क्या होगा। देख लीजिएगा, जज्बात में गलत ना दे दीजिएगा भैया। एक दूसरे के लिए आपने लिखना है। ओके। आप लोगों ने एक दूसरे की अंदाजा लगाया, अंदाजा लगाया पसंद नापसंद का कि क्या होगी। अगर उन्होंने तुक्का गलत लगाया तो मिर्ची खानी पड़ेगी उनको। ओ मिर्ची, अरे ये मेरे फेवरेट है इन लोगों की किट लगाने के लिए। बेग साहब आपसे सबसे पहले पूछेंगे, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी? पंजाब नहीं जाऊंगी, जवानी फिर नहीं आनी, लंदन नहीं जाऊंगा। पंजाब नहीं जाऊंगी। क्या जवाब दिया? पंजाब नहीं जाऊंगी। ये तो मैंने भी दे दिया था। बच गए बेटा, इसलिए खुश हो रहे हो। जी अगला सवाल, अगर न्यू कास्ट के साथ काम करना हो तो बेग साहब आप किसके साथ इनमें से काम करेंगे? हुमायूं अशरफ, बिलाल अशरफ, इमरान अशरफ? बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ जी, क्या जवाब दिया? अरे बिलाल अशरफ। अरे वाह 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 भैया, थैंक यू, फिर बच गए भैया तुम। नदीम बेग को किस चीज की डायरेक्शन ज्यादा पसंद है, शो ड्रामा या फिल्म? मुझे फिल्म। यह चीज भैया, फिल्म, फिर बच गए भाई। एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर का गम समझता है। अभी भी दो सवाल बाकी हैं जी। आपकी यानी नदीम बेग की पसंदीदा हीरोइन कौन सी है, महवेश हयात, कुबरा खान या उर्वा? महवेश हयात। अरे भैया ये इन्होंने इनके जवाब और इन्होंने इनके सभी दे दिए, तालियां। बच गए भैया। अगर नदीम बेग डायरेक्टर ना होते तो क्या होते, साइंसदान, शेफ या जादूगर? साइंसदान तो कभी भी ना होता। अगर इन्हों में से कुछ चूज करना है, अगर इतनी ही मुश्किल पड़ जाती जिंदगी में, तो साइंसदान, मैजिशियन और शेफ, शेफ ही होता। भाई बहुत बहुत मुबारक हो हमें, क्योंकि यह गलत साबित हो गए। उन्होंने लिखा जादूगर। जादूगर भाई मैंने इसलिए लिखा कि जादू ही तो करते हैं, जादू करते हैं। नहीं आपका बहुत शुक्रिया आपने लिखा भाई। एक मिर्ची तो खाने को खाए यार, आई एम ग्लैड। एक सवाल और सही नहीं लिख सकते थे आप? नहीं ये छोटी छोटी करके नहीं पूरी, नहीं इतना ड्यूरेशन टाइम नहीं है हमारे पास दाने साहब। भाई ये भी रैपिड फायर था, ये बात। आई एम प्राउड ऑफ यू। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, अपनी अदाकारी, डायरेक्शन या अपनी हीरोइन? डायरेक्शन। अरे बच गया रे भैया। एक मिनट भाई, बचने में मिठाई भी खानी है। नहीं तुम खा लो मिठाई, अलाउड है यार, एक हरी मिर्च की बात तो। आपने सबसे अच्छी अदाकारी आपके हिसाब से अपनी मेमोरी में किस मीडियम में की, ड्रामा, फिल्म, टीवी, थिएटर? सोचे मैंने क्या जवाब दिया। सर खुदा के लिए सोचे सर। आपके ड्रामा, फिल्म, थिएटर, इन तीनों में से कहाँ अदाकारी आपने अच्छी, आपको फील हुआ जहाँ सबसे ज्यादा सैटिस्फाइंग? थिएटर। सोचे मेरी सांस हो रही है, बाथरूम भी दूर है। मिर्च रेडी करें, मिर्च का टाइम हो गया। मिर्च का टाइम हो गया, हार्ट अटैक हो जाएगा। मैंने कहा फिल्म, ड्रामा। ड्रामा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने थिएटर
देखा हुआ नहीं है. नहीं, सेटिस्फैक्शन की जो बात आ रही है ना, तो वहाँ ये टीवी और फिल्म और ये सारी चीजें साइड पे फॉर एन एक्टर आई थिंक थिएटर इज द मीडियम जो सबसे सेटिस्फाइंग है. बिकॉज आप करो एक तो इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्स मिलता है, फिर ये आपको पता नहीं चलता कि और जो मिर्चों का सेटिस्फैक्शन है ना वो भी कमाल है. हाँ, ये अच्छा भी है. लेकिन ये क्यों खाएगा आप? आप खाएंगे, आप खाएंगे. ये बड़े भाई हैं सर, इनके होते हुए मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता. मैं कैलोरीज काउंट पे चल रहा हूं. ड्रामा लिखा है ना, तो थिएटर में ड्रामा ही तो होता है. थिएटर में ड्रामा नहीं होता. मिर्चों में बीज भी होते हैं, ये वाली नहीं. ओ नहीं, वो तो बहुत डेंजरस है. ये वाली खा लो. ओ दानिश, ये तो कल पता चलेगा तुम्हें. भाई तुम मिर्चों पे ना लग जाना, कल भी अभी पता चलेगा. अभी पता चलेगा. इतिशाम भाई, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? दम मस्तम, पंजाब नहीं जाऊंगी, सुपरस्टार. पंजाब नहीं जाऊंगी. मुझे तो खुशी मिर्च की है. उसकी वजह बताता हूँ मैं, उसकी वजह बता दूँ. वो उसको दानिश, आई एम सो सॉरी. देखो मैं अपनी फिल्म को ना हमेशा बहुत क्रिटिकली देखता हूँ, और मुझे चूंकि मैंने बनाई हुई होती है तो मैं अब जाके पसंद क्या मैं देखी, वो तो मैं देख ही रहा हूँ. मैं अपने प्रोड्यूसर्स को बहुत लेकिन देखता हूँ. पंजाब नहीं जाऊँगी जो मैंने सिनेमा में बैठ के इन्जॉय किया ना, बहुत. आप उसकी बात कर रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा कौन सी पसंद आई फिल्म? ये मुश्किल सवाल था ना. कभी अपनी फिल्म का नाम नहीं लेना था, और मैंने उनकी फिल्म का ही लेना था. सर आपने कहा पंजाब नहीं जाऊंगा, सिनेमा पे बैठ के एंजॉय किया ना, मैंने यहाँ एंजॉय किया. मैं तो पंजाब यही एंजॉय कर रहा हूँ. अच्छा, आप इनमें से किसके साथ काम करने में ज्यादा मुतमईन हैं? इमरान अशरफ, बिलाल अशरफ, शहरयार मुनव्वर? मेरे ख्याल है शहरयार मुनव्वर के साथ काम करके मैं ज़्यादा मुतमईन होऊंगा. होऊंगा हाँ, क्योंकि इन दोनों के साथ तो मैंने काम कर चुका हूँ. बिलाल की एनर्जी जो है, बिलाल अशरफ की, वो बाज़ दफ़ा मुझे ख़त्म ही नहीं हो रही होती एनर्जी. और इमरान के साथ ये है कि इमरान के सवाल, ओहो, यानी इमरान अगर आपके पास आप अपनी परेशानी में, और इमरान आके एक लाइन बोलनी सिंपल कि अच्छा फिर मैं चलता हूँ, लेकिन आप उस लाइन के इसके पीछे थॉट क्या है? आप सुनो, मेरी लाइट जा रही है. इसके पीछे सब यही थॉट है कि जाना जाना. तो ये मेरे ख्याल है शहरयार मुनव्वर इज अ गुड चॉइस. तो इमरान की थॉट प्रोवोकिंग के लिए. ओए ओए दानिश, ओ हो, अब सुन हो गया है. सवाल भी खत्म हो गए. ये क्या मैक्सिमम नंबर? इत्तेशामुद्दीन साहब, आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन है? अमर खान, सबीना या माहिरा खान? अब ये ट्रिकी सवाल है, बड़ा ट्रिकी है, क्योंकि डायरेक्शन. देखो मेरी हीरोइन अगर बोलेंगे ना तो वो तो सबीना हो गई, क्योंकि बस हो गया. शुक्र है, बच गया ये. बस हो गया. वेरी गुड सर, ये आपने बच गया. देखिए अब यहाँ पे बचत का रास्ता था ना. या आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन सी? तो भाई सुपरस्टार की हीरोइन माहिरा खान, ठीक है ना. मेरी हीरोइन अगर आप बोल के तो सभी नहीं है. तो रुक जा भाई, कंफ्यूजन है. नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं है. वहाँ क्या लिखा? मेरे पास बचत का रास्ता है. हाँ, सबीना. बस सही है भाई, बस माफ कर दे उसको. आ रहा है इसे पसीना. जरीन बेग साहब, थैंक यू सो मच. रियली मेरी बहुत बहुत यादें जब आप कराची पहुंचे और आपने एक दफ्तर ज्वाइन किया जहां से आपको एक सिटकॉम असाइन हुआ, और उसमें मैं कास्ट हुआ अलोंग विद नदीम जाफरी, नोमी एंड आगा शिराज, हेरा एंड जारा. मुझे कॉमिक टाइमिंग, सिटकॉम की पंच लाइन की, फेशियल एक्सप्रेशंस की जो आपने सिखाई, वो मेरे लिए ट्रेजर है. और मैं हमेशा याद रखता हूँ इनकी कुछ जुमले मेरे कान में आज भी गूंजते हैं जब कैमरा रोल होता है. दांत मत भींच, ये भींचना छोड़ दो. तो वो मैं नहीं भींचता आप दांत. थैंक यू सो मच. आप बहुत अच्छे एक्टर हैं. इवन इन दैट, मेरे अक्सर यही होता है कि जब आपके साथ बहुत सारे एक्टर्स काम कर रहे हो और आप किसी
एक्टर पे बहुत फोकस कर रहे हो तो उस एक्टर को ये लगता है कि शायद वो एक्टिंग अच्छी नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ डायरेक्टर को ही पता होता है कि आप उससे उसका बेस्ट निकलवाना चाह रहे हैं, वो कुछ अच्छा कर रहा होता है तो निकलवाना चाह रहे हो। आपका सफर जहाँ से शुरू हुआ आप जहाँ तक पहुँचे, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हम एक सेम टाइम लाइन में ह्यूमन एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच। आप इतने बेलॉस आदमी कि आपको एक मेमोरी आपके पास पता नहीं है कि नहीं है। मैं थिएटर एक्टर था, मेरे साथ अब्बास मेरा एक दोस्त और अदील, और हम लोग बहुत हाइपर और एक्साइटेड अबाउट दिस वर्क, और हम कुछ बन जाएंगे, और हमने एक कॉन्सेप्ट की आपसे रिक्वेस्ट की, और आपने बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी बात के मुझे एक फिल्म का कॉन्सेप्ट तैयार करके दिया। थैंक यू सो मच उस इनकरेजमेंट का जो आपने मुझे उस वक्त दिया। दैट्स फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना, मैं ट्रेजर करता हूँ इस शो को। थैंक यू सो मच आप लोग की आमद का। प्लेजर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। नहीं, मुझे बहुत बहुत दिल से बुलाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज का शो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। Keep watching The Knock Knock Show. Khuda hafiz. Knock, 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 knock. Are you ready? The Knock Knock Show. Dilon pe dastak deta hu, apne man ki kehta hu. Kiske dil mein kaun chupa hai? राज पता कर लेता हूँ, ये मेरा स्टाइल है, बड़ा वर्सटाइल है, ये बात दिलों की बात यहाँ है, सबके साथ यहाँ। Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.